नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत हर्ष होगा, ये वीडियो जो है आपके स्वास्थ्य के लिए है। और जब सर्दी आती है तो बहुत सारे रोग एक्टिव हो जाते हैं शरीर में। चोट का दर्द है वो उखड़ आता है, वात का दर्द उखड़ आता है, सर्दी वात उखड़ आता है, आम वात उखड़ आता है, गठिया वात उखड़ आता है, और वात के जितने रोग हैं वो सब उखड़ के आते हैं और शरीर में बड़ी पीड़ा देते हैं, जकड़न देते हैं, परेशानी देते हैं, दर्द देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो आपके संपूर्ण सर्दीय जो दर्द है, उन शरीर के संपूर्ण दर्द को समाप्त करने के लिए, हड्डियों के दर्द को समाप्त करने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग दवाइयाँ काम करती हैं। वैसे ही संपूर्ण हड्डियों में जो ताकत और एक्टिविटी भर देता है और हमें लड़ने की शक्ति देता है दर्द से, क्योंकि दर्द असहनीय होता है, दर्द को सहन करना ब्रेन के लिए भी पावर, ब्रेन के लिए भी कम पड़ जाता है, ब्रेन थकने लगता है, तो फिर हम दवाइयाँ गोलियाँ दर्द की खानी पड़ती हैं जो हमारे किडनी आदि पर इफेक्ट करती हैं और हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं फायदे के साथ साथ में। तो इसीलिए हम लोग चाहिए कि आहार के साथ में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरीके अपनाएं। तो आप ऐसा कीजिए कि आपके नीचे से लेके ऊपर तक का जितना है, जैसे आपके हाथ के नाखून है, पैर के नाखून है, ये काले हो जाते हैं ठंडी में, नीले पड़ जाते हैं, तो ये खतरे की घंटी है। इससे हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है, पैरालाइज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों से, आपके नाखून जो है वो काले पड़ जाते हैं तो कैसे आप उनको बचाएं, और ये भयंकर रोग है, नर्वस का ये रोग होता है, नर्व का यानी नसों का रोग होता है, खून का रोग होता है, जो आपके नाखून को नीला प्रस्तुत करता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा नीला नीला कर देता है और ब्लैक कर देता है। तो उसके लिए आप ऐसा कीजिए कि सुबह सुबह आप जब उठते हैं सुबह, तो उस समय पहले तो आप थोड़ा सा बैठ करके चूस करके गर्म पानी पी लीजिए, एक या दो गिलास। उसके बाद में आप कीजिए कि एक लहसुन की कली मुंह में दाढ़ से चबा लीजिए, उसको छील करके उसके साथ थोड़ा सा अदरक चबा लीजिए और ऊपर से थोड़ा सा और गर्म पानी पी लीजिए। ऐसा आप नियम से रोज करेंगे तो आपको, आपके नर्व्स हैं, आपकी जो नसें हैं वो पूरी की पूरी मुक्त हो जाती हैं, मोकली हो जाती हैं, साफ सुथरी हो जाती हैं, खून जो है पतला होने लगता है, तो आपके जो नाखून में प्रॉब्लम्स आ गए, जो ब्लैकनेस आ रहा है ठंडी की वजह से, वो आपको ब्लैकनेस से मुक्ति मिलेगी। और ये घरेलू उपचार है और ये हमारे सभी साहित्यों में होता है। आप चाहे अध्ययन भी कर पाएंगे तो आप कर सकेंगे, नहीं तो मैं आपको ये सुविधा दे रहा हूँ, आपकी सहायता कर रहा हूं कि आप इस तरह करने से आपको ये लाभ प्राप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से होता है तन और मन का शुद्धिकरण। जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आओ करें श्री हरि का स्मरण। परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज के श्रीमुख से, श्री राधा किशोरी सेवा धाम संत कॉलोनी परिक्रमा मार्ग श्री धाम वृंदावन से, गुरुजी के जन्मोत्सव निमित्त 108 श्री मद भागवत कथा का 27 जनवरी से 2 फरवरी दोपहर 1 बजे से सीधा प्रसारण देखिए संस्कार पर।